वन ब्लॉक माइनक्राफ्ट के हार्डेस्ट मोड्स में से एक है। इसमें हमें एक ब्लॉक पर स्पॉन कर दिया जाता है, जिसे माइन करने पर डिफरेंट ब्लॉक्स और मॉब्स स्पॉन होते रहते हैं। इसमें टोटल 13 फेजेस हैं, जिनमें डिफरेंट मॉब्स और ब्लॉक्स हमें मिलते रहेंगे, और एट द लास्ट फेज हमारे नीचे एक एंड पोर्टल स्पॉन हो जाएगी और हमें डिफीट करना होगा एंडर ड्रैगन को। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने कैसे 100 डेज गुजारे वन ब्लॉक पर, हमने क्या बिल्ड किया, कैसे किया हमने सर्वाइव, और हमने कैसे डिफीट किया इस वर्ल्ड के बॉस एंडर ड्रैगन को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वन ब्लॉक का डे वन था और मैंने अपने नीचे वाले ब्लॉक को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एक तोड़ता था, एक और आ जाता, और ऐसे यहाँ पे एक काउ भी स्पान हो गई, पर मैंने उसे मार दिया। लेकिन बाद में मुझे एहसास ज़रूर हुआ कि उस काउ को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास फूड की कमी होने वाली है आगे चल के। देन मैंने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड किया ताकि जब ड्रोल और ड्रैगन एग गेम को ज्वाइन करें तो यहाँ से नीचे ना गिर जाएं। देन जब ड्रोल और ड्रैगन एग ज्वाइन हुए तो हमने माइनिंग कंटिन्यू की और यहाँ पे एक काउ स्पॉन हुई, जिसे भी हमने नीचे फेंक दिया और माइनिंग कंटिन्यू रखी। एंड देन हमें यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें एक एप्पल सैपलिंग और एक फ्लावर था, तो हमने उसे कलेक्ट किया और मैंने इस प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़ोंबीज वगैरह स्पॉन हो गए तो हम मर भी सकते थे। देन हमने यहाँ पे एक चेस्ट लगाई ताकि हम अपना ज़रूरी सामान इसमें रख सकें। देन यहाँ पे एक हैंड स्पॉन हुई, जिसे मारने के चक्रों में ड्रोल ने गलती से मुझे हिट कर दिया और मैं सीधा वॉइड में जाके मर गया। हम यहाँ पे रीस्पॉन हो सकते हैं क्योंकि एक हार्डकोर वर्ल्ड नहीं है। दोबारा स्पॉन होके मैंने इनके साथ माइनिंग कंटिन्यू की, क्योंकि रिसोर्सेज तो मेरे पास थे नहीं ताकि मैं आइलैंड एक्सपेंड कर सकूँ, और यहाँ पे एक पिक भी स्पॉन हो चुका था। देन यहाँ पे हमें एक और चेस्ट मिली जिसमें बीट रूट और एक ओक सैपलिंग थी। देन इन दोनों के पास जितनी भी डर्ट थी वो मैंने इनसे ले ली और आइलैंड को थोड़ा एक्सपेंड किया। देन यहाँ पे एक शीप स्पॉन हुई, जिसे हमने ऐसे इग्नोर किया जैसे हम दूसरों के घर जाके खाने को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी, पर फिर भी हमने माइनिंग स्टॉप नहीं की क्योंकि हमारे पास बैटरी नहीं थे। माइनिंग करते करते हमें काफ़ी एनिमल्स और रिसोर्सेज भी मिले, जिसे यूज़ करके मैंने आइलैंड को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया। देन हमारा सेकंड फेज यानी केव्स वाला फेज स्टार्ट हो चुका था, तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ब्लॉक्स लगाए ताकि जब मॉब्स वगैरह स्पॉन हो तो वो हमें डैमेज ना कर सकें। तो हमारा ये वाला प्लान काम कर रहा था, क्योंकि जब भी वाइट बोन्स और इन्फेक्टेड ह्यूमंस यहाँ पे स्पॉन होते थे तो हम अंदर ही उनका काम तमाम कर देते थे। देन मैंने यहाँ पे एक सैपलिंग लगा दी क्योंकि हमें वुड की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो यहाँ पे फाइनली डे टू की सुबह हो चुकी थी और मैंने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया। तो यहाँ पे हमें एक चेस्ट से एक लावा बकेट और काफ़ी सारी ब्रेड भी मिली। लावा बकेट हमें अब मिली थी और वाटर बकेट हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी। समझ रहे हो? समझ रहा? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। अब हम बनाने वाले हैं एक कबलस्टोन जनरेटर। तो मैंने एक तरफ थोड़ा सा बिल्ड किया और एक तरफ लावा और दूसरी तरफ पानी लगा के मैंने कबलस्टोन जनरेटर को तैयार किया। और हाँ, ये वर्क भी कर रहा था। यहाँ पे एक चेस्ट से हमें अपना पहला डायमंड भी मिल चुका था। देन ड्रैगन एग ने कबलस्टोन जनरेटर से कबलस्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे हमें एक चेस्ट से एक और डायमंड भी मिल चुका था। मैनग्रोव बायोम जो कि नई अपडेट में आई है, अब उसका फेज स्टार्ट हो चुका था और इस फेज में पता नहीं क्यों हमें टोटम ऑफ अनडाइंग मिला। और उसी रात यहाँ पे एक विलेजर भी स्पॉन हो गया, लेकिन एक मसला था, उसके साथ ही एक स्केलेटन भी था, तो वो विलेजर को मार भी सकता था। तो हमने किया कुछ यूं कि हमने उस स्केलेटन को मार दिया। ये क्या है? हमारे पास काफी ज्यादा कबलस्टोन तो जमा हो ही चुका था, तो मैंने इस आइलैंड को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया क्योंकि जगह की हमें काफी ज्यादा कमी पड़ रही थी। जब मैं आइलैंड को एक्सपेंड कर रहा था तभी ड्रोल को एक स्पानर और एक स्केलेटन स्पान एग मिला। सो आगे चल के हम इसे मॉब फार्म में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फेज 4 यानी कि स्नो वाला फेज स्टार्ट हो चुका था।
सभी फेजेस में ज़्यादातर माइनिंग ड्रोल ने की है, तो मेरे पास माइनिंग के इतने सीन्स नहीं हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हों, पर हमें माइनिंग से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और काफ़ी अच्छी लूट मिलती रही है। यहाँ पे हमें शुगर कैन भी मिल चुका था, तो इन फ्यूचर हमें इसे ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन मैंने यहाँ पे कुछ चेस्टेस वगैरह लगाई और सारा का सारा सामान सॉर्ट किया, क्योंकि हर तरफ कचरा ही फैला हुआ था। और इसी के साथ फोर्थ फेज भी कंप्लीट हो चुका था। हमारा नेक्स्ट फेज था डेजर्ट फेज, और उसके बाद आया था जंगल फेज। और इन दोनों फेजेस की रिकॉर्डिंग या तो मैंने की नहीं या इसने डिलीट कर दी। अब आ चुका था डीप डार्क केव्स वाला फेज। देन जंगल फेज से मिलने वाली कुछ सैपलिंग्स को हमने यहाँ पे ग्रो किया, तो मैंने उन्हें काटना स्टार्ट कर दिया और काफी ज्यादा वुड मिल रही थी इनसे। सो हमने डिसाइड किया कि हम तीनों के अलग अलग घर होंगे, अलग अलग आइलैंड्स पे होंगे और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे और हम काफी ज्यादा डेकोरेशन कर देंगे। फिर वो आइलैंड्स बनाने के लिए हमने वुड कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लॉक्स की काफ़ी कमी हो गई थी, तो थोड़ी देर एएफ के करके हमने कबलस्टोन जनरेटर पे ब्लॉक्स तोड़े। देन हमने आइलैंड पे थोड़ा सा घूमा फिरा, तो हमें एहसास हुआ कि ये कबलस्टोन जो नीचे लगा हुआ है ये ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने फैसला किया कि हम इस कबलस्टोन को वुड से चेंज कर देते हैं। देन हमने वन ब्लॉक के अराउंड एक कमरा बना दिया और इसे प्रॉपरली बंद कर दिया, ताकि कोई मॉब स्पान हो तो वो अंदर ही रहे, बाहर ना आ सके। अब इस जगह का कुछ ऐसा लुक आ रहा था जो थोड़ा ब्यूटीफुल भी था। देन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी करने के लिए इस लावा को ओपन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलती कर दी है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी मुश्किल में हमारे दिमाग ने काम किया और हमने सेटिंग में जाके फायर सप्रेड का ऑप्शन ही बंद कर दिया। ओह माय गॉड, वाओ। देन हमने इसे रिपेयर किया और कबलस्टोन जनरेटर यहाँ से हटा दिया। देन वी एंटर्ड आवर नेक्स्ट फेज, जो के था ओशन फेज। और यहाँ पे काफी ज्यादा एक्वाटिक एनिमल्स मिल रहे थे हमें, और ओशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी लूट भी मिल रही थी, और हमें इस फेज में से डायमंड भी मिले। हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी। मुर्गा कंटिन्यू नहीं रखने देगा। एंड देन यहाँ पे एक गार्डियन स्पान हो गया। हमें ओशन और ओशन मोन्यूमेंट्स के बारे में इतना खास पता नहीं था, क्योंकि आज तक हम ओशन मोन्यूमेंट में सर्वाइवल में तो गए नहीं हैं, बट फिर भी जैसे तैसे करके हमने इसे मार ही दिया। देन इस फेज में हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी लूट भी मिल रही थी, और लूट के साथ साथ पफर फिश का कोई इफेक्ट भी मिल रहा था। देन यहाँ पे ये ओशन वाला टिड्डा स्पान हो गया, तो हमें यहाँ से कुछ गोल्ड ब्लॉक भी मिले। देन यहाँ पे एक एल्डर गार्डियन स्पान हुआ और हमने इससे फाइट की। वैसे अगर देखा जाए तो ये इस प्रिजन में ट्रैप हुआ हुआ था, और इसे मारना हमारे लिए ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था, तो फिर क्या, हमने इसे मार दिया। मरने के बाद इसने यहाँ पे एक स्पंज फेंका। देन माइनिंग कंटिन्यू रखने पर हमें यहाँ से एक ट्राइडेंट भी मिला। हमें तो लगा था कि यहाँ पे सिर्फ एक एल्डर गार्डियन स्पान होगा, पर थोड़ी देर बाद एक और एल्डर गार्डियन स्पान हो गया, तो हमने उससे भी फाइट की। उसके बाद हमने माइनिंग को स्टॉप कर दिया और अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए।
मेरा घर कंप्लीट होने के बाद जब मैं लेजेंड का घर देखने आया तो घर कुछ ज्यादा ही प्यारा था। आई मीन कुछ ज्यादा ही। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अपने अपने घर कंप्लीट करने के बाद हमने ये फैसला किया कि अब बारी है एक मॉब फार्म बनाने की, क्योंकि दरख्त वगैरह उगाने के लिए हमें बोन्स चाहिए और वो मॉब फार्म से ज़्यादा जल्दी कलेक्ट हो जाएंगी। सो हमने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और दूसरी तरफ मॉब फार्म बनाने का फैसला किया। मॉब फार्म कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ माइनिंग कर लेनी चाहिए। ओशन फेज खत्म हो चुका था और अब हम इंटर हो चुके थे अपने नेक्स्ट फेज में, जो कि था नेदर फेज। तो हमने नेदर फेज में माइनिंग स्टार्ट कर दी। देन यहाँ पे एक बेबी जोगलिन स्पान हुआ, जोगलिन ही कहते हैं ना इसे, तो हमने उसकी भी चेस्ट खोल दी। और यहाँ पे इस वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ग्रेवल स्पान हुई थी। देन हमें यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑब्सीडियन मिला। मैंने चेस्ट से डायमंड उठाई और एक डायमंड पिकैक्स बना लिया। देन यहाँ पे एक स्ट्राइडर स्पान हुआ, स्ट्राइडर ही कहते हैं ना इसे। देन यहाँ पे एक होगलिन स्पान हुआ जो मुझे मारने वाला था, पर वो जोगलिन में चेंज हो गया, जोगलिन ही कहते हैं ना इसे। नहीं। देन यहाँ पे नेदर वाला पिग स्पान हुआ, नहीं इस बार नहीं पूछूंगा। हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था और मैं इसे हाथों से मार रहा था। देन मुझे थोड़ी सी अकल आई, मैंने कुछ निकालने की कोशिश की तो तब मेरा काम तमाम होने वाला था। अबे अबे कट कर, अबे कट कर। ये नेदर वाला फेस हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि इसमें मैं एक बार नहीं दो बार मरा था और दोनों बार मैंने अपना डायमंड पिकैक्स गुआ दिया। एंड देन बड़ी मुश्किल से ये फेस कंप्लीट हुआ। अबे तूने रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी। अबे कौन सी रिकॉर्डिंग? अरे नेदर फेस से हमें तीन वेदर हेड नहीं मिले थे? अबे छोड़, लास्ट में बता देना। बात तो सही की है। हमारा नेक्स्ट फेस आ चुका था जो कि था मेंशन वाला फेज। इसमें हमें विलेजर मिलने के भी चांसेस थे और हॉर्सेस तो हमें मिल ही रहे थे, पर मैंने सोचा कि हॉर्सेस का वन ब्लॉक में क्या ही काम होगा। लेकिन फिर भी हॉर्सेस को मैंने मारा नहीं, बल्कि यहाँ पे फेंस लगा के उसके साथ बांध दिया। कोई सेंसेस बात की? देन यहाँ पे एक विलेजर भी स्पान हो गया और उसी वक्त सो गया। हमारा पिछला विलेजर मर चुका था, शायद किसी ज़ॉम्बी ने मारा था। तो इस विलेजर को बचाने के लिए मैंने उसी वक्त यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बनाया और उसे बोट में बिठा के यहाँ पे कैद कर दिया। और तभी यहाँ पे कैले स्पान हुआ या हुई ये नहीं पता। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से एक ब्लॉक पकड़ाया, देन वही ब्लॉक मैंने यहाँ पे फेंका और थोड़ा दूर जाने पर इसने वो ब्लॉक मुझे वापस ला के दे दिया। ओह यार, यार ये कितनी ऑसम है यार। देन मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखी और मुझे काफी कमाल की लूट मिली। कई चेस्टिस में से हमें गोल्डन एप्पल तक मिले। देन यहाँ पे कई एले और हॉर्सेस स्पान हुए। ये फेज पूरे वन ब्लॉक में मेरा सबसे फेवरेट फेज था। एंशिएंट सिटी जो नई अपडेट में ऐड हुई थी, अब उसका फेज आ चुका था। इस फेज को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रेडिंग हॉल बना लिया जाए ताकि हमारे विलेजर्स जो हैं वो डिस्पान ना हो जाएं। तो फिर मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर दिया।
क्या यार, ट्रेडिंग हॉल तो बना लिया पर उसका लुक तक नहीं रिकॉर्ड किया मैंने। खैर, उसके बाद हमने कुछ फार्मिंग की, क्योंकि हमारे पास विलेजर्स सिर्फ दो थे और उन्हें बढ़ाने के लिए हमें पोटैटोज की जरूरत थी। तो गाइज, ये है हमारा ट्रेडिंग हॉल। हाँ यार, पता है बहुत बुरा लग रहा है, पर आखिर में जाते जाते हम इसे ठीक करके जाएंगे, क्योंकि अब हम विलेजर लेके जा रहे हैं ट्रेडिंग हॉल तक। इन विलेजर्स में से एक को हमने फ्लैचर बना दिया, उससे हम एमरल्ड बटोरेंगे, और दूसरे को हम बनाने वाले हैं आर्मरर, क्योंकि उससे हम डायमंड के आर्मर बटोरेंगे। मस्त प्लान है। विलेजर्स को जॉब देने के बाद ड्रोल ने इस ट्रेडिंग हॉल को थोड़ा अच्छा लुक देने की कोशिश की, पर ये पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, समझ रहे हो। देन फ्लैचर के साथ हमने बहुत सारी वुड ट्रेड की और हमने उससे बहुत सारा लूट, नहीं बल्कि उसने हमें बहुत सारा लूटा। जब मैं अपने घर की तरफ गया तो मुझे पता चला कि मेरे घर में 3 विलेजर और छुपे बैठे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक विलेजर को शेफर्ड बना दिया जाए, क्योंकि शुरू में जो हमें शीप्स मिली थी उनके साथ हमने क्या स्लोक किया वो तो आपको पता ही है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ये सीन क्यों रिकॉर्ड किया था मैंने। हमने सोचा थोड़ी सी माइनिंग ही कर लेते हैं, और तभी हमारे सामने ये चेस्ट आई। हम माइनिंग कर ही रहे थे कि यहाँ पे एक वार्डन स्पान हो गया, और ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस था। हम उसे लड़ने के बजाय आके सो गए, और मैं कई बार मरते मरते भी बचा, और तभी हमें पता चला कि वार्डन खुद ही डीस्पान हो गया। ये वार्डन इतना पावरफुल था कि हम इसे मार ही नहीं सकते थे। हमने थोड़ी सी माइनिंग और की ही थी कि यहाँ पे एक और वार्डन स्पान हो गया। फिर मैंने उठा ली अपनी बो एंड एरो, इसे इतना मारा, लेकिन फिर भी मुझे भागना पड़ा। फिर मैंने पूरी की पूरी तैयारी की और एक प्लान के साथ आया, लेकिन फिर भी और अब हम अपने सेकंड लास्ट फेज में इंटर हो चुके थे, जो कि था स्ट्रॉन्ग होल्ड का फेज, और इसी फेज में हमारे नीचे एक एंड पोर्टल खुल चुकी थी, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ये फेज शायद वन ब्लॉक का सबसे छोटा फेज था। और अब हम अपने लास्ट फेज यानी एंड के फेज में इंटर हो चुके थे, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला था। इस फेज़ में हमें शल्कर बॉक्स भी मिल रहे थे, जिनमें काफ़ी कीमती सामान था, फॉर एग्जांपल फ्लिंट एंड स्टील। देन हमें एक शल्कर बॉक्स मिला जिसमें लाइट्रा था। देन हमें कुछ ऑब्सीडियन भी मिले, और अब शायद हमारी नेदर पोर्टल भी कंप्लीट हो सकती थी। देन जो हुआ वो कुछ यूँ था, इस फेज से हमें काफ़ी ज़्यादा शल्कर बॉक्स। अबे सीन तो दिखा, अबे तूने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। सॉरी। उसके बाद हमने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया एक ट्री फार्म। देन मैंने यहाँ से खड़े होकर देखा कि सामने तो पोर्टल है। ट्री फार्म बनाने के लिए जो वुड चाहिए थी वो कलेक्ट करने के लिए मुझे बोन्स चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे मॉब फार्म पे खड़े होकर कुछ स्केलेटन्स का इंतज़ार करने लगा। देन ड्रोल ने ये सारा प्लेटफॉर्म कंप्लीट किया। जब शेफर्ड की ट्रेड लेवल 2 तक पहुँची तो हमें पता चला कि लेवल 3 पे वो एक बेड दे रहा है। देन उसे लेवल 3 पे करके हमने कुछ बेड खरीदे और ट्रेडिंग हॉल में लगाना स्टार्ट कर दिए। और ये ट्री फार्म कब बना, इसकी रिकॉर्डिंग क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। देन हमने काफ़ी ज़्यादा बेड खरीदे और पूरे ट्रेडिंग हॉल में 12 बेड लगे। देन हमने कुछ पोटैटोज लगाए, क्योंकि विलेजर्स को भी तो ब्रीड करवाना है ना। देन हमने वो पोटैटोज लगा के इन विलेजर्स को दे दिए, एंड देन यहाँ पे कई टीडे स्पान हो गए। देन हमने डिसाइड किया कि हम जो वॉल्स बनाने ये तो बताया नहीं। तो गाइज, अब हम अपने सारे प्लेटफॉर्म्स के अराउंड एक वॉल बनाने वाले थे, ताकि हम वॉइड से थोड़ा बच सकें। फिर हमने वॉल का डिज़ाइन सिलेक्ट किया और वॉल्स लगानी स्टार्ट कर दी। वॉल्स बनाने के बाद हमने एक आयरन फार्म बनाने का फैसला किया, क्योंकि आयरन की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमी थी और हमें वन ब्लॉक से भी काफ़ी कम आयरन मिलता था। आयरन फार्म बनाने के लिए विलेजर्स को फ्लैचर की जॉब देनी पड़ती है, जिसके लिए हमें चाहिए होते हैं फ्लैचिंग टेबल, और वो हमें चाहिए होते हैं 20 फ्लैचिंग टेबल। बनाने के लिए फ्लिंट तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास एक आइडिया है कि हम जाएंगे नेदर और वहाँ से लेके आएंगे फ्लिंट और बनाएंगे फ्लैचिंग टेबल। देन ड्रोल ने सस्ते नशे करके एक नेदर पोर्टल बनाई, एंड फाइनली वन ब्लॉक में भी हमने नेदर पोर्टल बना ली थी। अब हम नेदर जाने के लिए रेडी थे। फिर हम नेदर चले गए। देन हम नेदर आए तो हमें पता चला
कि एज ऑलवेज डेंजरस पानी मिला है हमें, बस क्या करें, हमें भी तो ऐसा स्पॉन चाहिए ना। देन मैंने ग्रेवल का एक टावर बनाया और उसे तोड़ा ताकि मुझे फ्लिंट मिल सके। देन वो फ्लिंट लेके हम घर वापस आ गए। ड्रोल ने आयरन फार्म का प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं आयरन फार्म के लिए कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा था। जो स्पानर और स्केलेटन स्पान एग हमें इस वर्ल्ड के स्टार्ट में मिला था वो हमने मॉब फार्म में लगा दिया ताकि हमें स्केलेटन्स की कमी ना हो और बोन्स हमें मिलती रहें। देन ड्रोल ने आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। हमने विलेजर्स से काफ़ी ज़्यादा वुड ट्रेड की और काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड लूटे और शेफर्ड से ये सारे बेड खरीद लिए ताकि हमारा आयरन फार्म भी चल सके। और इस आयरन फार्म का काफ़ी ऑसम लुक आ रहा था। देन बहुत ज़्यादा पापड़ पेलने के बाद मैं इन विलेजर्स को आयरन फार्म तक लेके गया। विलेजर्स को आयरन फार्म तक ले जाने के बाद जब मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे मॉब फार्म में कुछ नज़र आया। ये आयरन गोलम आयरन फार्म में स्पान होने के बजाय यहाँ पर स्पान हुआ हुआ था और अभी तो आयरन फार्म में 20 विलेजर भी पूरे नहीं हुए थे। हमने उस आयरन फार्म को मारा तो एक और जब हमने उस आयरन गोलम को मार दिया तो यहाँ पे एक और आयरन गोलम स्पान हो गया। गोलम आयरन फार्म में स्पान होने के बजाय मॉब फार्म में स्पान हो ही जा रहा था तो हमने यहाँ पे लावा लगा दिया। देन ऑफ कैमरा हमने दो आर्मरर्स को मैक्स किया और उनसे अपना सारा डायमंड आर्मर निकलवाया और अब हमारे पास फुल डायमंड आर्मर भी था। ड्रोल ने सल्कर बॉक्सिस का सारा सामान सॉर्ट कर दिया। हमारे पास काफ़ी कीमती सामान भी था, ट्राइडेंट, चेस्ट प्लेट, शेयर्स। उस वक्त रिकॉर्डिंग के लिए मैं अपना माइक बंद करना भूल गया था। ये कुछ बुक्स हैं हमारे पास और यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ फ्लिंटर स्टील एंड शील्ड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें जो अब हम उड़ा देंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ पोशंस वगैरह हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और बुक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और बुक्स हैं। यहाँ पे और बुक्स हैं। यहाँ पे और ज़्यादा बुक्स हैं। यहाँ पे इलाइट्राज और यहाँ पे हमारे पास क्या है। इस फ्रेम में आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिंग हॉल है उसको मैंने काफ़ी अच्छा लुक दे दिया था, पर ये सब मैंने ऑफ कैमरा किया था। देन हमने अपनी एंड पोर्टल को थोड़ा सा डेकोरेट किया क्योंकि अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की। नेक्स्ट डे हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दी एंडर ड्रैगन को मारने की। अब मैंने अपनी सोर्ड पे शार्पनेस 4 लगाई और गोल्डन एप्पल वगैरह अपने इन्वेंट्री में फेंक दिए और अब हम तीनों रेडी थे इस वर्ल्ड के बॉस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। ड्रोल ने पोर्टल को ओपन किया और हमने जंप कर दिया एंड में। सो गाइज, वी हैव फाइनली कम्प्लीटेड ऑल ऑफ आर गोल्स और अब विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ड्रोल यहाँ पे एक बेकन लगा रहा है। दिस इज डे 100 एंड वी फाइनली सर्वाइव्ड 100 डेज ऑन वन ब्लॉक। इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। अब आपका काम है इसे शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
रुको जरा, सबर करो, सिनेमैटिक्स देख के जाना। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ।